नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि पटना नगर निगम की तरफ से पिंक एमआरएस सेंटर खोला गया है। और आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार जो पटना में नगर निगम एक्टिव है, जगह जगह पर जिस तरीके से साफ सफाई देखने को भी मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से सूखे कचड़े को खरीदने के लिए यानी सूखा कूड़ा को खरीदने के लिए पिंक एमआरएस सेंटर खोला गया है नगर निगम की तरफ से, हम आपको बताते चले कि जिस तरीके से लोग कहीं से कहीं कचरा फेंक देते, लेकिन अब लोगों को जागरूक करने के लिए एक तरीके से कहे तो वो लोग अब पटना नगर निगम के पिंक एमआरएस सेंटर में आकर के अपना सूखा कचरा भी बेच सकते हैं। और यहाँ पर एक चार्ट भी लगा दिया गया है कि आप लोग आइए, और ये चार्ट है, आप इस चार्ट के माध्यम से जिसे पेट बोतल हो गया 20 रुपये के हिसाब से, केजी के हिसाब से है, हार्ड बोतल हो गया, यानी ये तमाम जो लिस्ट है, न्यूज़पेपर है, अक्सर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसके बाद कूड़े में फेंक देते हैं, लेकिन अब आपको फेंकने की ज़रूरत होगी, तमाम हो गया, आयरन हो गया, मेटल कैन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तमाम जो चीज़ें हैं आपको ज़रूरत अगर ख़त्म हो जाता है तो आप उसके ज़रूरत के बाद से उसको आप यहाँ पर पिंक एमआरएफ सेंटर में आ करके नगर निगम के द्वारा खोला गया है, इसमें आप बेच सकते हैं। हम अंदर ले चलते हैं, आप दिखाते हैं किस तरीके से। देखिए, यहाँ पर इकट्ठा भी किया जा रहा है, जो सूखा कचरा है यहाँ पर नगर निगम के द्वारा जो सेंटर खोला गया है उसके द्वारा इकट्ठा भी किया गया। देखिए किस तरीके से अलग अलग जो कचरा है, पहले हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से। देखिए, एक जगह ला करके जो कूड़ा है यहाँ पर फेंका जाता है यानी यह रखा जाता है, उसमें से फिर यहाँ पर जो यहाँ के टीम है उसके द्वारा अलग अलग डब्बे में यानी अलग अलग जो डब्बे बनाए गए हैं वहाँ पर छांट करके रखा जाता है, फिर रिसाइकिल के लिए यहाँ से भेजा जाता है। हमारे टीम के यहाँ पर मेंबर भी हैं, उनसे हम जुड़ते हैं, बात कर किस तरीके से आप लोग तैयारी क्या क्या कर रहे हैं जो आप लोग लाते हैं। पहले तो यहाँ पर स्टार्टिंग में लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यहाँ पर लोग आ रहे हैं, और जब कचरा यहाँ पर आता है तो उसको अलग अलग सेग्रीगेट किया जाता है, फिर हम उसे रिसाइकिल के लिए भेज देते हैं। वो सारे आप लोग तो भेज देते हैं, लेकिन लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ी है कि नहीं? बढ़ रही है जागरूकता, अभी हम लोग और लोगों को अपने टीम मेंबर्स हमारे जो है वो काम कर रहे हैं इस पर ही, अवेयरनेस प्रोग्राम पर, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को अवेयर कर सके इस प्रोजेक्ट के बारे में। कितना दिन हुआ आप लोगों को प्रोजेक्ट लगाए हुए? अभी ये 31 अगस्त को स्टार्ट हुआ है हमारा, तो अभी अब तक कुछ डाटा है आप लोग के पास कि कितने लोग आ गए लगभग? लगभग अभी लगभग यहाँ 50 लोग आ चुके हैं और अपना कचरा यहाँ बेच कर गए हैं। पीएमसी का भी वेस्ट यहाँ आता है हमारा सारा जी। तो आप लोग तुरंत पैसा दे देते हैं या कुछ टाइम लगता है? कचरा था तो उस समय आप लोग उसी वक्त उन्हें पैसा दे दिया जाता है जी, वजन करके उसी जी, वेट होता है, जितना वेट होता है कचरे का उस हिसाब से रेट चार्ट है और उस हिसाब से उन्हें पैसा दे दिया जाता है। आप लोग इसके पीछे नगर निगम के द्वारा ये कदम उठाया गया और आप लोग जुड़ करके कितने टीम हैं अब तक, लगभग कितने टीम हैं आपके? हमारे टीम में अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारे जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, और बाकी टीम मेंबर्स हैं 10-15 टीम मेंबर्स हैं इसमें। अलग अलग लोगों को जागरूक भी करते हैं? जी जी, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है लोगों को अवेयर करने के लिए। फील्ड में जाकर के आप लोग बता जी 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 फील्ड में जाकर हम लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा एमआरएफ है पिंक एमआरएफ, जहां आप आ सकते हैं, अपना कूड़ा हमें दे सकते हैं और वापस में आप पैसे भी ले सकते हैं हमसे उसे बेच कर। आप लोग जिसे न्यूज पेपर तो बिकता था, किताबें भी आती होंगी, तो उसका क्या करते हैं आप लोग? जैसे बुक लोग लाते बुक्स जो है उसको हम लोग अभी काम करेंगे, उस बुक्स को हम लोग एक लाइब्रेरी में रखेंगे जहां पर जो स्लम्स के बच्चे हैं वो आकर उससे फायदा उठा सकेंगे, उस बुक को मतलब पढ़ सकेंगे। जो कूड़े में बुक फेंकी रहती है उसको स्लम के बच्चे पढ़ेंगे लाइब्रेरी जी, उससे बच्चों को फायदा होगा, वो पढ़ सकते हैं वहाँ पर आकर। उसके लिए भी हम जाकर स्लम्स में बच्चों को अवेयर करेंगे, उसके लिए ऐसी आप लोगों के लिए सुविधा है जहाँ आप आकर फ्री में पढ़ सकते। लाइब्रेरी कहाँ पर है? अभी इसकी स्थापना नहीं हुई है, हम अभी इस पर काम कर रहे हैं, इसको शुरू करना है अभी जी। सो वेस्ट यहाँ आता है दो तरीके से, एक तो पीएमसी का वेस्ट यहाँ पे गिर रहा है, दूसरे लोग हैं जो लोग आके बेचते हैं, तो लोग में कोई भी आके यहाँ पे, जैसे आपने अलग किया कचरा, आप यहाँ पे ला के दो, कितना कचरा उतना ला के दो, हम लोग आपको इंसेंटिवाइज करेंगे, आपको वेस्ट अलग अलग करने का इंसेंटिवाइज मॉडल है ये। तो हम लोग अभी तक 11 डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ई वेस्ट एंड प्लास्टिक एंड पेपर सब। तो ये पेट बॉटल है, थर्मोकोल है, न्यूज़पेपर है, कलर पेपर है, वाइट पेपर है, कार्डबोर्ड, ग्लासेस, हार्ड प्लास्टिक, अल्मोनियम, मेटल्स, ये इस टाइप का वेस्ट हम लोग खरीदते हैं, हम लोग सेग्रीगेट करते हैं और रिसाइकलर्स को देते हैं। मतलब यहाँ पर कितना दिन बाद यहाँ से चला जाता है, या स्टॉक हो जाता है तब चला जाता है? ये स्टॉक होता है फिर चला जाता है, दो दिन तीन दिन कोई मायने नहीं, स्टॉक होने हाँ स्टॉक होने के बाद ही जाएगा।
एक बार में कितना टन लगभग आप लोग यहाँ पे भेजते हैं? तो ये जो फैसिलिटी है वो 1 to 1.5 टन पर डे का वेस्ट ले सकती है। तो जैसे हम लोग रिकवर कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि जितना वेस्ट अच्छा आएगा हमारे पास उतना जल्दी जाएगा, राइट। तो सेग्रीगेशन इतना अच्छा होगा उतना वेस्ट हमारा अच्छा आएगा। मतलब सूखा कचरा फेंकने की जरूरत नहीं, रोड पर ऐसे पसरा रहता है, उससे पैसा भी कमा सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं। साफ सफाई भी होगा, साफ सफाई भी होगा। आपके लिए इंसेंटिवाइज मॉडल है ये, आप वेस्ट आके हमें बेचिए, हम खरीदेंगे। देखिए तो हम दिखा रहे हैं पटना नगर निगम की तरफ से कंकड़बाग में पिंक MRF सेंटर खोला गया है और अब लोगों को सूखा कचरा इधर उधर फेंकने की जरूरत नहीं। साथ ही जो स्लम एरिया के बस्ती के बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी अब पिंक MRF सेंटर जो है उसके द्वारा से बड़ी पहल की जा रही है। और जो किताब जो आ रही है यहाँ पर, पुरानी किताबें जो कूड़े में फेंकी हुई मिल रही है या यहाँ पर लोग ले आकर के बेच रहे हैं, पेपर के हिसाब से यहाँ पर खरीद रहे हैं, लेकिन उसको अब अलग तरीके से ये लोग रख रहे हैं। और इनका साफ साफ हमने बात भी किया, साफ साफ कहा जा रहा है कि उस किताब को हम लोग अलग कर रहे हैं, उसको रख रहे हैं और एक लाइब्रेरी का हम लोग अब थोड़े दिनों में लाइब्रेरी का व्यवस्था करेंगे। वहाँ पर स्लम एरिया के जो बच्चे हैं वो आकर के अब पढ़ाई करेंगे। ये नगर निगम की जो पहल है पिंक MRF सेंटर जो खोला गया है, काफ़ी सराहनीय है।